तेरी शिक्षा शांति। बहुत सुंदर परमात्मा की याद के साथ आज हम अपने संध्या की शुरुआत करते हैं और आज हम विशेष कनिष्ठा बहन का बहुत 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 आज के सत्र में स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं और स्वागत के फूल में हम सभी अपनी रूहानी मुस्कुराहट से कनिष्ठा दीदी का अनुभूति और सैन फ्रांसिस्को परिवार में बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। तो संक्षिप्त में कनिष्ठा दीदी का हम परिचय देते हैं। कनिष्ठा बहन भारत में पीडियाट्रिशियन रहे हुए हैं और जब आप 2006 में यूएसए में आए तो उन्हें ये महसूस हुआ कि क्योंकि उनकी फील्ड मेडिकल की फील्ड हुई रही है, मेडिसिन की फील्ड रही है, तो उन्हें प्रिवेंटिव मेडिसिन के एस्पेक्ट पर फोकस करने में इंटरेस्ट रुचि हुई। सो आपने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम वायन स्टेट यूनिवर्सिटी डिट्रॉयट से करने के पश्चात माइंड बॉडी मेडिसिन कैलिफोर्निया से पीएचडी हासिल की है। आप पिछले 21 सालों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और राजयोग का अभ्यास बाबा की सेवा के माध्यम से अन्य आत्माओं को करा भी रहे हैं। वर्तमान में आप कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया के विस्तार में बाबा की सेवाएं जो है वो प्रदान कर रहे हैं। और जब भी हमें पहला लेसन कराया जाता है मन बुद्धि संस्कार का, तो एक बात हमारे चित पर तवज्जो दिलाई जाती है कि हमें व्यर्थ बातों को, पुरानी बातों को भूलना है, है ना। पहले दिन का लेसन है, राइट। और उस पहले दिन के लेसन को प्रैक्टिस करने के लिए हर पल बिताना पड़ता है, है ना। कोशिश करते हैं आ जाती है, कोशिश करते हैं आ जाती है। तो आज कनिष्ठा बहन अपने अनुभव के माध्यम से हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स से लाभान्वित कराएंगे जिससे हमें इस प्रैक्टिकल लाइफ में पुरानी बातों को भूलने में आसानी हो। वंस अगेन वेलकम कनिष्ठा बहन। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। बहुत सुंदर आपके बोल सुन करके बहुत खुशी हो रही है वैशाली बहन। बाबा का तो हर एक बच्चा बहुत ही, जैसे उसके मुख से क्या कहें, फूल बरसते हैं, तो ऐसी ही फीलिंग आई आपके मुख से इतने अच्छी बातें सुन करके कि इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर परिवार के बीच में आपने हमें आमंत्रण दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया। और बाबा का परिवार तो इतना सुंदर है ही। और आज का जो आपने टॉपिक रखा है वो भी बहुत ही विशेष टॉपिक है, क्योंकि बाबा ने हमें कहा ही है कि पुरानी बातों से अब हमें छुट्टी लेनी है, क्योंकि बाबा आया है हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए। तो उस नई दुनिया में जाने के लिए हमें अपने आप को अपग्रेड तो करना पड़ेगा ना। हर चीज की अपग्रेडिंग होती है ना। अगर कोई कहे कि मैं पुराने जमाने की तरह, मैं सिर्फ लेटर के माध्यम से ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करूंगी,
तो कितना समय लग जाएगा लेटर पहुंचने में। अब देखो ईमेल के माध्यम से कितना फटाफट सब कुछ होता है ना। तो हर चीज में अगर हम देखें, हर एरिया में अगर हम देखें, तो अपग्रेड हर कोई चाहता है। चाहे कंप्यूटर देख लो, चाहे चाहे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का कोई और माध्यम देख लें। लेकिन हमारे जमाने में तो मुझे याद है जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई पढ़ रहे थे इंडिया में, उस समय मोबाइल फोन्स नए नए आए थे। उसके पहले तो हम कम्युनिकेट करते थे तो जैसे बहुत समय लग जाता था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, टाइम लगता था। लेकिन सेल फोन आने के बाद तो सब कुछ बहुत आसान हो गया। तो अपग्रेड होना बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन साथ साथ अपग्रेड हम अपने आप को करें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना रहता है कि हम जो है हमारी जो जो भी कुछ हम जिस भी एरिया में अपग्रेड करते हैं अपने आप को, उस एरिया में हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को, जैसे जो भी हम माध्यम यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड भी नहीं होना है, उसको अच्छी तरह से उसका फायदा लेना है और साथ साथ में उसके प्रति शुक्रगुजार भी होना है जो भी फैसिलिटीज हमें मिली हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है। तो पुरानी बातें, पुरानी बातों से बाबा ने तो हमें इतनी सारी बातें बताई हैं कि जब तुम्हारा जीवन ही नया हो गया है, बाबा ने हमें आकर के नया जन्म दिया है, हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या बना दिया। मंदिरों में जाकर हम अपने आप को कितना नीचा कहते थे, भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हम कहते थे कि मैं मूरख कल कामी, अपने कितना हम अपने आप को नीचा दिखाते थे। हाँ, लेकिन भगवान ने आकर हमें कितना ऊंचा उठाया और हमें कहा कि तुम कितने महान हो, तुम कितने कितने तुम्हारे अंदर क्वालिटीज हैं। तो हमको जब नया जन्म मिल गया तो फिर हम क्यों अपने आप को पुरानी बातों में उलझा करके रखें। हाँ, तो हमारे मन में यही विचार चल रहा था जब हमने ये टॉपिक हमको मिला, तो हम यही सोच रहे थे कि देखो बाबा ने हमें कितना सुंदर जीवन दिया है, हीरे जैसा अमूल्य जीवन बाबा ने हमें दिया है। तो ऐसे जीवन में हम अगर नई नई बातें, जो इन्फॉर्मेशन बाबा हमें दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन को अगर हम अपने अंदर भरते चलेंगे तो हमारे अंदर इतना भर जाएगा कि पुरानी बातों को लाने के लिए स्पेस ही नहीं रहेगी, है ना। पुरानी बातें हमारे अंदर तभी आती हैं जब अंदर कोई खालीपन होता है। जब कोई खाली चीज होती है तभी उसमें, जैसे गार्डन में भी देखो, अगर गार्डन खाली पड़ा है तो वीड्स उसमें उगने लग जाती हैं, है ना। लेकिन गार्डन को अगर अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है, उसकी रखवाली करता है कोई आकर ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो फिर क्या होता है कि वो गार्डन जो है वो फूलों से भर जाता है, फल फूल वैरायटी प्रकार के फल फूल उसमें निकल आते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन में अगर हमने, बाबा ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, कितनी सुंदर सुंदर बातें रोज बाबा से हम सुनते हैं, उन बातों को ही अगर हम अपने अंदर भरते जाएंगे रोज, तो क्या होगा, हमारा मन एक सुंदर बगीचा बन जाएगा, उसमें फल और फूल लगने लगेंगे। और ऐसा गार्डन, ऐसा माइंड हमारा गार्डन बन जाएगा तो क्या होगा, फिर दुनिया वाले भी हमारे पास आना पसंद करेंगे, है ना। कोई भी सुंदर गार्डन होता है तो सब जाना पसंद करते ना ऐसे सुंदर गार्डन में। तो हमको भी इस तरह से अपने आप को इतना सुंदर बनाना है, इतना सुगंधित बनाना है, जिससे कि सब हमको जैसे हमारे पास आए, और फिर हमारे पास आएंगे तो हम उनको कहाँ भेजेंगे, हम उनको भगवान के पास जाने का रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि हमें अब वो रास्ता, वो सही मंजिल पता चल गई है ना। तो
देखो हम ये भी सोच रहे थे, ये टॉपिक जो लिया ना पुरानी बातों को कैसे भूलें, तो इसमें ये एक शब्द जो है ना भूलें, तो भूल जो शब्द है ना उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है भूल माना, हम इस चीज को जैसे भूल गए, फॉरगेट, याद नहीं रहा है ना, तो विस्मृति की बात होती है, तो वो चीज हमें याद नहीं रही। और दूसरा अर्थ होता है भूल का, दूसरा अर्थ भूल का क्या है कि कोई मुझसे जैसे कभी कोई गलती हो गई है ना, तो हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से हम पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, कौन सी भूल हो गई हमसे जिसकी वजह से हम पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। एक भूल, बहुत बड़ी भूल हुई हमसे जिसकी वजह से बार बार हम वो पुरानी बातों को अपने अंदर ले आते हैं। तो देखो हाँ, अगर हम इसको गहराई से सोचना सोचे ना इसके आंसर को कि हमसे कौन सी एक बहुत बड़ी भूल हुई जिसकी वजह से हम भूलें करते रहते हैं, उसका अगर हम चिंतन करें तो हमें ये आंसर मिलेगा कि सबसे बड़ी भूल हमसे ये हुई है कि हम अपने आप को ही भूल गए हैं। हम यही भूल गए कि हम कौन हैं, और इसीलिए सबसे पहला लेसन जो हमें सीखने को मिलता है यहाँ पर कि मैं कौन, मैं आत्मा। अगर हमें ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा शुद्ध पवित्र, अगर मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूं तो पुरानी कोई चीज मेरे अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि पुराना पुरानी बातें सोचना, पुरानी बातों का चिंतन करना, इसका मतलब क्या, किचड़ा इकट्ठा करना है ना। बाबा कई बार बाबा कहते ना कि पुराने व्यर्थ संकल्पों की रचना जब हम करते हैं, इसका मतलब हम अपने अंदर किचड़ा भर रहे हैं। अगर हम अपने अंदर किचड़ा भर रहे हैं तो फिर वो शुद्धि, वो शुद्धता, वो पवित्रता कहाँ गई है हमारी, है ना। इसका मतलब हम भूल गए ना अपने आप को। तो अपने आप को बार बार याद दिलाना कि मैं कौन हूं, मैं शुद्ध पवित्र निर्मल शीतल आत्मा हूं, तो ये स्मृति हमको बार बार अपने आप को दिलाना है। इसी की विस्मृति हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, हमारी स्मृति अगर गड़बड़ हुई तो फिर हमारी स्थिति भी खराब हो जाती है। जैसी स्मृति वैसी हमारी स्थिति होती है ना, हमारी मन की स्थिति फिर डामाडोल हो जाती है। और फिर अगर हम ये स्मृति को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो फिर क्या होता है कि हमारी वृत्ति और हमारी दृष्टि भी बदल जाती है। पुरानी बातें कैसे आती हैं हमारे अंदर, जब हम किसी को देखते हैं ना, तो हमारी आंखें, हमारी दृष्टि जो है पड़ती है उस व्यक्ति की तरफ, तो एकदम से अगर उसके साथ हमारे ऐसा वैसा कुछ पिछला हुआ है तो फिर वो सारी बातें हमारे सामने आ जाती। तो उस वक्त हमारी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, हमारी दृष्टि आत्मा की तरफ नहीं जा रही, हम उसको आत्मिक दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं, है ना। पहला लेसन तो कि मैं आत्मा, फिर उसका उसके बाद हमको दूसरों को भी उसी रूप में देखना है। तो अगर हमारी दृष्टि उस आत्मा के ऊपर पड़ेगी तो आत्मा आत्मा का इंटरेक्शन होगा, आत्मा आत्मा के साथ बात करेगी। लेकिन अगर हम आत्मा की बजाय उस व्यक्ति को देख करके उसने क्या कर्म किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसमें अगर हम चले जाते हैं तो फिर वो पुरानी बातें जो है वो हमारे अंदर आने लग जाती है, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि किसी को भी देखो तो उसकी विशेषता को देखो, आत्मा आत्मा को देखो, सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता है। तो हमें तो बाबा ने कहा है ना, हमें होली हंस बन करके हर एक की विशेषता को देखना है। अगर हर एक की विशेषता को हम देखते जाएंगे तो क्या हम किसी की पुरानी बातों से अफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे, नहीं होंगे ना। फिर तो हमें सिर्फ
वो सुंदर ज्योति प्रकाश बिंदी वही दिखाई देगी, और उस बिंदी में जो सुंदरता है वही हमको दिखाई पड़ेगी। हाँ, तो ये बहुत सुंदर तरीका है पुरानी बातों को भुलाने का, कि अपनी दृष्टि को हम बदल दें, और हमारी दृष्टि बदल करके फिर उसके साथ साथ हमारी वृत्ति भी बदलनी है, है ना, हमारा एटीट्यूड भी चेंज होना है ना। जब हम एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ, उस व्यवहार में भी अंतर आ जाएगा। देखो यहाँ पर तो हमारा लक्ष्य यही है ना, बाबा क्या चाहते हैं हम सबसे, कि हम उनके समान बन जाएं। हाँ, उनके समान बनने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें वो सिखा रहे हैं, जो भी बाबा से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को लेकर के, उस ज्ञान को लेकर के हमें उसका स्वरूप बनना है। तो हमें ये दो शब्द बहुत पसंद आते हैं, इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन माना सत्य ज्ञान को लेकर के उसको अपने अंदर इतनी अच्छी तरह से धारण कर लेना, उसका स्वरूप बन जाना, जिससे कि मेरे अंदर परिवर्तन हो जाए, और जो बाबा जैसा बाबा मुझे देखना चाहते हैं वैसा मैं बन जाऊं। ज्ञान में आने के पहले जब हमें ये ज्ञान नहीं मिला था, उसके पहले हमें तो यही नहीं पता था कि हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति होती है। हम अपने संकल्पों से अपने मन के द्वारा क्या नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हम जैसा सोचते हैं ना, फिर जैसे हमारे संकल्प चलते हैं, उस संकल्पों के आधार पर हमारे शरीर में भी, हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम वेस्ट सोचते रहेंगे, क्योंकि देखो वेस्ट सोचने से क्या होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा फिर हम फील भी करते हैं, है ना। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा फील करते हैं, हाँ, लेकिन किसी के बारे में अगर आप पुरानी बात सोच सोच करके, हाँ, अंदर ही अंदर आपके गुस्सा आ रहा है, हाँ, घृणा उत्पन्न हो रही है, हाँ, तो फिर फीलिंग कैसे आती है, कौन सी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, हाँ, वो एनर्जी फिर हमारी बॉडी में जाती है, हाँ, और फिर कितना नुकसान होता है बॉडी को। इसीलिए तो इतनी सारी बीमारियां आजकल हो रही हैं, हाँ, कितनी सारी बीमारियां आज हम जो हम देख रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ओबेसिटी, ये सारी बीमारियां जो आजकल हो रही हैं, उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण यही है कि मन जो है वो बीमार हो गया है। और मन क्यों बीमार हो गया है, उसका क्या कारण है, क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा के अंदर अशुद्धि हो गई है। आत्मा जो है वो, जो उसकी शुद्धता थी, वास्तव में मैं आत्मा इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र थी, तो वो शुद्धता, वो पवित्रता आत्मा की जैसे जैसे कम हो जाती है, वैसे वैसे फिर मन हमारा, बुद्धि, संस्कार, ये सब अफेक्ट हो जाते हैं, और फिर हमारी बॉडी जो है वो बीमार पड़ने लग जाती है। तो इसीलिए पुरानी बातें हमें सोचना नहीं है, क्योंकि इससे हमारा बहुत नुकसान है। तो ये अगर हमको स्मृति में रहेगा, अगर मैं पुरानी बातों को अपने अंदर रखूंगी, वेस्ट अपने अंदर डालूंगी, तो क्या होगा, मेरा ही उसमें नुकसान है। तो मैं अपना नुकसान क्यों करूं। ये पुरानी बातें जो है ना, ये अग्नि की तरह है, ये इंसान को अंदर ही अंदर जला देती है, अग्नि की तरह। तो सोचो एक तरह से हम अपने आप को ही अंदर जला रहे हैं। कोई अपने आप को जलाए तो उसको क्या होगा, उसके साथ अंदर ही अंदर कितना दुख होगा उसको, है ना। तो इंसान जो है वो इतना दुखी हो जाता है अगर पुरानी बातों का बोझ लेकर के वो घूमता है तो। हाँ, तो ये पुरानी बातों से हमको इसीलिए दूर रहना है, क्योंकि जितना जितना हम इन पुरानी बातों में अपने आप को उलझा के रखेंगे, उतना उतना नुकसान किसका है,
सबसे पहले मेरा नुकसान है, और मेरा नुकसान होगा, मेरी स्थिति नीचे गिरेगी, तो मैं दूसरों का क्या भला कर सकूंगी। यहाँ तो हमें इतना सुंदर बाबा ने लक्ष्य दिया है, हमें क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण, कितना ऊंचा हमें लक्ष्य मिला है। लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए हमें क्या करना होगा, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना होगा, है ना। तो मैं कौन हूं, बार बार ये स्मृति अपने आप को दिलाए, स्वमान का अभ्यास जो बाबा कहते हैं, मैं कौन, इसको बार बार अगर हम अपने आप को याद दिलाते रहेंगे। देखो जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, हम कौन है, कौन है हम, कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा हमें कहते हैं, कितने अच्छे अच्छे स्वमान बाबा हमें देते हैं। अंधों की लाठी, जैसे बाबा अंधों की लाठी है, वैसे ही मैं आत्मा भी अंधों की लाठी हूं। तो अगर मैं अंधों की लाठी हूं तो मुझे सही दिशा में दूसरों को अगर ले जाना है तो मुझे सही रास्ते पर पहले चलना होगा, नहीं तो मैं दूसरों को क्या दिखाऊंगी रास्ता। बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमें दी है, बाबा ने हमें इतना बड़ा मौका दिया है, लेकिन इस मौके को हमें अच्छी तरह से यूज करते हुए बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। तो हमारे अंदर बाबा ने इतनी सारी शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों को हमें यूज करना है। इन पुरानी बातों को अगर हमें, इन पुरानी बातों से किनारा करना है तो उसके लिए वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है। कहते ना कि पास्ट इज हिस्ट्री, प्रेजेंट इज गिफ्ट एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। तो प्रेजेंट जो है हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है, तो उस गिफ्ट को हमें एंजॉय करना है। पास्ट में जाएंगे वो तो हिस्ट्री हो गई, जैसे कोई पास्ट में अगर किसी का जन्म हुआ, पुराना जन्म अगर किसी का है तो वो उसको कुछ थोड़ी याद रहता है कि मैं उस जन्म में ये था वो था, कुछ भी नहीं याद रहता है ना। जो बाबा हमें सिखाते हैं ना कि जीते जी मरना है हमें, तो इस जीवन में रहते पुरानी बातों से हमें अपने आप को दूर रखना है। तो जीते जी मरने का अभ्यास, ये भी हमको बहुत अच्छा लगता है जो बाबा कहते हैं। पिछला हमको कुछ याद रखना ही नहीं है, हमने अपने जीवन में जो मेडिकल कॉलेज में हमने जो भी पढ़ाई करी, पीडियाट्रिशियन बन करके जो भी कुछ हमने किया, हमको ऐसा लगता है वो हमारा पास्ट जन्म था, क्योंकि हम उसको स्मृति में ही नहीं लाते हम, क्योंकि अब हमको ये लगता है कि अब जो है वो जरूरी है कि अब आत्मा की बीमारी को ठीक करना। शरीर के डॉक्टर्स तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन आत्मा को ठीक करने वाले डॉक्टर्स, उसका तो विशेष सिलेक्शन बाबा ने किया ना, तो उस सिलेक्शन में मैं आई तो मुझे क्या करना है। तो इसीलिए हमने यही डिसाइड किया कि ज्यादा से ज्यादा अब मुझे आत्मा की बीमारी उसको ठीक करना है। आत्मा की बीमारी ठीक होगी तो फिर शरीर की बीमारी, मन की बीमारी वो भी ठीक हो जाएगी। तो चलो अभी हम 2 मिनट के लिए अपने आप को ऐसी स्थिति में स्थित कर लेते हैं, सब कुछ पुराना जितना भी है, कोई भी अगर पुरानी बात आपको मन में ऐसे अभी तक बैठी हुई है तो उसको अभी थोड़े समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल हटा दें, और अपने आप को आप अभी बिल्कुल प्रेजेंट में ले आए, इस वक्त आप भगवान के सामने हैं, भगवान की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ रही है, और भगवान आपको इतनी ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं। फील करो आप भगवान की नजर आपके ऊपर।
और इस वक्त अगर पुराना कुछ भी इमर्ज हो रहा है तो आप वो सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। सारा बोझ, जितना भी बोझ आपने रखा हुआ है अभी तक, वो सब भगवान के हवाले। क्योंकि मुझे नया जन्म मिला, तो इस नए जन्म में मुझे सब कुछ नया ही अपने अंदर भरना है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है, ऐसा फील करें बाबा के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, उस परमात्मा के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, उस सब कुछ आपके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, और जैसे जैसे ट्रांसफर हो रहा है वैसे वैसे आपके अंदर परिवर्तन होता जा रहा है। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार परिवर्तित होते जा रहे हैं, उनमें दिव्यता आ रही है। सारे अंदर के कांटे, विकार रूपी कांटे, भगवान को आप हवाले कर रहे हैं। कुछ भी पुराना व्यर्थ आपके अंदर से खत्म होता जा रहा है और सब कुछ नया, एकदम नया। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, परिवर्तन होते हुए अपना, आपका नया जन्म, कितना सुंदर अनुभव। तो ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको इतना रिफ्रेशिंग लगेगा, आप करके देखना। कल सवेरे उठ करके जब आप अमृत वेला तो करते ही होंगे ना, तो अमृत वेले के समय अपना सब कुछ पुराना बाबा के हवाले करके ऐसे फील करना जैसे इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो बहुत सुंदर अनुभव होगा आपको। ठीक है, ये एक्सरसाइज करना। और दूसरा ये तो है कि बाबा से मिलन मनाना और मिलन मना करके अपना सब कुछ परिवर्तन करना, और फिर दूसरा भगवान से जो हमें शक्तियां मिली हैं उन शक्तियों को हमें यूज करना है ना। बाबा कहते ना कि मैंने तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी है, भगवान से हमें सारा वर्षा मिल रहा है, तो उस वर्षे में बाबा की सारी शक्तियां, बाबा जो कहते तुम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं, तो अगर हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं तो क्या हम अपने अंदर का पुराना व्यर्थ जो है उसको समर्थ में नहीं बदल सकते? क्यों नहीं बदल सकते? जरूर बदल सकते हैं, है ना। तो हमारे अंदर की शक्तियों को हमें जागृत करना होगा। तो कैसे जागृत करेंगे अपने अंदर की शक्तियां? उसके लिए फिर अपने आप को स्मृतियां दिलाना, स्वमान की स्मृति, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा। जितना जितना आप इस स्मृति के स्वरूप में स्थित होंगे उतना उतना क्या होगा कि शक्तियां जो है हमारे अंदर आती जाएंगी। अब हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। इस स्टोरी, ये स्टोरी सुन करके आप हमको बताना कि कौन कौन सी शक्तियां आपको ऐसा लगता है कि इस स्टोरी में यूज हुई हैं। ठीक है, तो एक बार की बात है, गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए किसी जगह गए, किसी के पास गए, तो जिस व्यक्ति के पास गए
उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को पहचाना नहीं और उस व्यक्ति के अंदर कुछ चल रहा था, वो खुद परेशान था, तो उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को ऐसे कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ अपशब्द कह करके उसने उनको भगा दिया, कुछ भी नहीं दिया उनको, और उनको मालूम ही नहीं था कि ये गौतम बुद्ध है। लेकिन उनके पड़ोस में जो व्यक्ति रहता था उसने देख लिया और उसे पता था कि ये गौतम बुद्ध है। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति गया और उसने उसको बताया कि आपने क्या किया, वो तो गौतम बुद्ध थे और वो आपसे भिक्षा लेने आए और आपने भिक्षा तो दी नहीं और उसको और ऊपर से आपने अपशब्द कह दिए, ऐसा वैसा कह दिया। तो उस व्यक्ति को बहुत अफसोस हुआ, उसको लगा अरे मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तो फिर वो व्यक्ति भागा भागा गौतम बुद्ध के पीछे पीछे गया। तो दूसरे दिन पहुंचा वो उसी डायरेक्शन में जाकर, दूसरे दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तो गौतम बुद्ध को उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना, जो मैंने आपको भिक्षा भी नहीं दी और ऊपर से अपशब्द भी कह दिए। हाँ तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा ये कब हुआ, ऐसा कब हुआ। हाँ तो उस व्यक्ति ने कहा कल हुआ। तो गौतम बुद्ध ने आंसर किया मेरे लिए तो मैं तो वर्तमान में जीता हूं, मुझे तो पता ही नहीं कल क्या था। आई लिव इन द प्रेजेंट, आई डोंट नो अबाउट यस्टरडे। देखो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियां बताई ना, अष्ट शक्तियों के बारे में बाबा ने हमें बताया है कि हमारे अंदर आत्मा के अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन विशेष अष्ट शक्तियां। तो उसमें समेटने की शक्ति, समेटने की शक्ति जिससे कि हम दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, पावर टू लेट गो, और वो ही मेन पावर गौतम बुद्ध ने यूज किया। हाँ ऑफकोर्स टॉलरेंस पावर भी यूज किया, सहन किया, उसने गाली भी दी तो भी उसने बुरा नहीं माना, टॉलरेंस पावर भी यूज किया, लेकिन मेन तो पावर जो यूज किया वो पावर टू फॉरगिव, उसे क्षमा करते हुए वो भूल भी गया, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऊपर ऊपर से कह देते हैं चलो हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बातों को पकड़ कर बैठे रहते हैं। तो अंदर ही अंदर अगर बातों को पकड़ कर बैठे रहते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे कि खुद ही हम प्रिजन में हैं, अपने आप को हमने कैद करके रखा है। और बाबा तो यहाँ कहते हैं कि हमें तो स्वतंत्र पक्षी बनना है, फिर तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, कहाँ स्वतंत्र पक्षी आजाद पक्षी और कहाँ बंदी जेल में कैद, तो वो तो हमें नहीं बनना। तो इसीलिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। देखो पुरानी बातों को अगर हम भूल नहीं रहे हैं, इसका मेन ये कारण भी बहुत बड़ा कारण है कि हमने कोई ना कोई बात को अभी तक हम भूले नहीं हैं और कोई ना कोई बात को हमने माफ नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको माफ नहीं करने वाला, या मैं इसको माफ नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उससे नुकसान किसका हो रहा है, माफ नहीं कर रहे तो मतलब क्या, खुद का ही, सबसे पहले तो हम अंदर खुद ही खुद जल रहे हैं माफ नहीं करके। तो ये समझना जरूरी है अगर मैंने किसी को माफ नहीं किया तो सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा ही होगा, मैं अपने अंदर ही जैसे उस अग्नि को तेज कर रही हूं। तो इसी वजह से, इसीलिए हमको अपने आप को प्रोटेक्ट अगर करना है तो माफ करना जरूरी है। तो एक तो होता है क्षमा करना खुद को, कई बार लोग अपने आप को क्षमा नहीं करते, है ना, कोई बात हो जाती है और उसी में अंदर मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, काश मैंने ये किया होता तो ऐसा नहीं होता,
तो अपने आप को माफ नहीं कर पाते। तो ये दो बातें होती हैं, एक तो अपने आप को माफ करना और दूसरा है फिर किसी व्यक्ति को, कोई सिचुएशन में किसी ने कुछ कह दिया तो उसको भी माफ कर देना। तो उससे फायदा मेरा है, सबसे ज्यादा फायदा तो मेरा होगा, फिर उसके बाद उस व्यक्ति का होगा जिसको मैंने माफ किया, राइट? तो पुरानी बातों से अगर हमें अपने आप को दूर रखना है तो ये समेटने की शक्ति जो बाबा ने हमें दी है इसको यूज करना बहुत 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 जरूरी है। मुझे अपने मन में, मुझे अपनी बुद्धि में सिर्फ समर्थ बातों को ही रखना है, व्यर्थ व्यर्थ बातों को रखने से बोझा हो जाएगा। और ये जीवन तो जैसे यात्रा है ना, हम यात्री है ना, हम सब यात्री हैं, रूहानी यात्री हैं। तो इस यात्रा में अगर इतना सारा बोझ लेकर के मैं घूमू तो फिर मजा ही क्या। इतना सुंदर जीवन बाबा ने दिया है, इतनी सुंदर यात्रा बाबा ने कही है करने के लिए, याद की यात्रा, उस याद की यात्रा को अगर मुझे करना है तो इस मुझे अपने आप को बोझ से तो हल्का करना पड़ेगा ना, नहीं तो ऊपर उड़ी नहीं पाएंगे, राइट? तो समेटने की शक्ति को हमें यूज करना है, साथ में सहन शक्ति भी है ना? तो हमें बहुत जरूरी है कि रोज हम अपनी चेकिंग करें, अपने आप से पूछें कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। अपने आप से ये पूछें कि मैं इस दुनिया में आई हूं तो क्यों आई हूं मैं, क्या मैं यहाँ दुख लेने आई हूँ, दुख देने आई हूँ, या मैं यहाँ खुश रहने आई हूँ, खुशी बांटने आई हूँ। अभी तो संडे की वाणी सुननी होगी ना सबने, बाबा ने क्या कहा कि हम सबको अब सदा प्रसन्न रहना है। तो अगर पुरानी बातों का कचड़ा रखे रहेंगे तो फिर प्रसन्न कैसे रहेंगे, वो तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा ना, बिल्कुल चली जाएगी हमारी खुशी। तो मैं कौन हूं इसके लिए सुमान का अभ्यास, मैं हूं ही प्रसन्न मूरत आत्मा, है ना? इतना सुंदर सुमान बाबा ने दिया। उस दिन बाबा ने कहा था तुम हो खुश बहार आत्मा। देखो इतने सुंदर सुंदर सुमान अगर हम अपने आप को देते चलेंगे तो सोचो व्यर्थ की कोई मार्जिन रह जाएगी क्या? मैं खुश बहार आत्मा हूं और मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूं, प्रसन्न मूरत आत्मा हूं। तो स्वमानों से अपने आप को सारा दिन श्रृंगारते रहे, ये श्रृंगार में अपने आप को बिजी रखेंगे, मन को बिजी रखेंगे तो कभी भी आप पुराना अंदर कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है? तो अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाने का अभ्यास ये करना जरूरी है, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाने के लिए सर्वशक्तियां। वैसे तो सर्वशक्तियां हमको चाहिए, सिर्फ एक शक्ति या दो शक्ति नहीं, सारी शक्तियां हमारे अंदर होनी चाहिए अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमको लाना है अपने जीवन में। बाबा कहते हैं ना तुम सर्वशक्तिवान, बाबा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान, माना सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, तो सारी शक्तियों को यूज करना है। लेकिन पुरानी चीजों को खत्म करने के लिए विशेष ये दो शक्तियां आवश्यक हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया परमात्मा द्वारा सर्वशक्तियां जो मिली हैं उन सबसे कैसे हम अपने आप को यूज करके प्रोटेक्ट करें, ये अभ्यास कर सकते हैं। और फिर परमात्मा के साथ जब हम योग लगाते हैं उस टाइम पे जो भी कचड़ा है वो उस ओशन में बहा दो, सागर में बहा दो। इतना बड़ा सागर है, इतना विशाल सागर है, आप जो भी देंगे वो उसको समा लेगा, है ना? तो भगवान को सब दे दो ना, भगवान कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारा कचड़ा लेने के लिए। उस दिन बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही कि मैं आया हूं
अविनाशी सर्जन बनकर तुम्हें इंजेक्शन लगाने के लिए। और बाबा जो हमें इंजेक्शन लगाते हैं, इस इंजेक्शन से कोई दर्द नहीं होता। वो वाला इंजेक्शन लगवाते हैं ना तो दर्द होता है, लेकिन बाबा जो इंजेक्शन लगाते हैं वो इतना मीठा होता है, लगता है बार बार लगवाएं, बार बार बाबा के पास जाएं और बार बार बाबा से मीठा मीठा इंजेक्शन लगाएं और मीठी मीठी दवाई पिए। बचपन में ऐसे ही होता था ना, खांसी आती थी तो वो कड़वी कड़वी दवाई पीना अच्छा नहीं लगता था, हाँ, लेकिन मीठी मीठी दवाई होती थी तो फिर जल्दी जल्दी पी लेते थे, है ना। तो यहाँ पर भी बाबा हमें मीठी मीठी दवाई पिलाते हैं, हाँ, तो हमें बाबा से ये मीठी दवाई रोज पीनी है, मीठा इंजेक्शन रोज लगाना है, तो फिर हम बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे। हाँ, बाबा तो हमारी सर्जरी करते हैं कितनी अच्छी तरह से। आत्मा की सर्जरी करने वाला कोई इस दुनिया में नहीं है, शरीर की सर्जरी करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आत्मा की सर्जरी सिर्फ एक बाबा ही कर सकता है। तो रोज हम बाबा के साथ जब हम कनेक्शन योग लगाते हैं तो बाबा के साथ तो बहुत सारे संबंध है हमारे, बाप टीचर सदगुरु, है ना, आदि आदि बहुत सारे संबंध है। लेकिन अगर पुरानी बातों से अपने आप को मुक्त करना है तो ये अविनाशी सर्जन के रूप में बाबा को याद करें, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बहुत मुख्य, जैसे एक विशेष संबंध है बाबा के साथ, अविनाशी सर्जन का संबंध। सारी बीमारी, आत्मा की बीमारी उसी से निकलेगी और किसी से नहीं। तो सर्जरी करते हैं बाबा और उसके पहले एनेस्थीसिया भी देते हैं, जिसको बाबा संजीवनी बूटी कहते हैं। मैं तुम्हें सुंघाता हूँ संजीवनी बूटी, और सुंघा करके फिर तुम्हारा ऑपरेशन करता हूँ। मन मनाभव की संजीवनी बूटी सुंघो और सर्जरी करवाओ, है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम इतने फ्रेश हो जाते हैं, इतने फ्रेश, एकदम हल्के हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे अब बस बाबा के साथ उड़े की उड़े, फरिश्ता बनकर, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास। कई बार हमको जैसे दर्द होता है ना किसी भी, अब शरीर है कहीं ना कहीं दर्द तो होता ही है, तो उस वक्त जब दर्द होता है ना तो एकदम अशरीरी, जो बाबा कहते हैं अशरीरीपन का अभ्यास बहुत जरूरी है, तो वो अशरीरी बन करके फिर बाबा के पास पहुंच जाते हैं। फिर ऐसे एकदम ऐसा लगता है जैसे बाबा ने पूरा दर्द खींच लिया, बाबा दर्द खींच लेते हैं और वो दर्द फिर जैसे लगता है जैसे कुछ था ही नहीं शरीर में। आप लोगों में से भी किसी ने एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, क्योंकि शरीर का तो आजकल कुछ ना कुछ सभी के साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है, है ना। कभी घुटने में दर्द, तो कभी पैर में दर्द, तो कभी कमर में दर्द, कहीं ना कहीं दर्द तो लगा ही रहता है, है ना। लेकिन बाबा को अगर हम अपने साथ रखते हैं तो फिर वो दर्द जो है वो दर्द नहीं रहता। दर्द होगा अभी तो उससे दुख नहीं होता, है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेन एंड सफरिंग, ना, दुख और दर्द में अंतर होता है ना। दर्द तो सभी को होता है, लेकिन उस दर्द से दुख नहीं होता हमें, क्योंकि बाबा हमारा सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ ले लेता है। तो ये बाबा को इस तरह से अगर हम अविनाशी सर्जन के रूप में याद करेंगे तो पुरानी बातों से अपने आप को मुक्त करना बहुत बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं तो दीदी, मेरे ख्याल से ये बात थी कि आपने कहा कि हम बाहर जो कान से इंफॉर्मेशन जाए या आंख से जो भी हम देखते हैं वो जाती है, वो ठीक हो जाए, पर उसको क्या कैसे करें जो चीज अंदर जाके उसकी कोई हैबिट या संस्कार बन गया, तो फिर तो जो बाबा से वो जोड़ के अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग ही करना पड़ेगा ना, उसमें तो फिर
अगर इंद्रियों की बात ना भी माने तो भी वो तो चीज अंदर चली गई, फर्स्ट थी तब पुरानी बात हो गई जाए। भूलना तो उसको है ना जो अंदर चला गया, उसको कैसे भूलना है वो तो फिर मेडिटेशन के साथ। क्या कहते हैं आप? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, अंदर चली गई चीजें अब उसको कैसे खत्म करें है ना। देखो इतने जन्मों जन्मों से हमने क्या नहीं भरा ना, बाबा कहते ना कि आत्मा तो आत्मा के अंदर तो जैसे रिकॉर्ड है, रिकॉर्डर है ना, संस्कार में सब कुछ भर जाता है। तो इतने समय का 63 जन्मों का रिकॉर्ड तो भरा ही हुआ है ना, तो उस रिकॉर्ड को अब हमें क्या करना होगा। उस रिकॉर्ड के ऊपर जैसे देखो कोई कैसेट होता है ना, आजकल तो कैसेट यूज नहीं करते, लेकिन कोई कैसेट जैसे भरा हुआ होता है, लेकिन उसको अगर आपको वापस उसमें कुछ भरना होता है तो पॉसिबल तो है ना। आप उसको वापस उसमें कुछ और भरो, इन्फॉर्मेशन, नया इन्फॉर्मेशन, फिर बाद में आप उसको सुनोगे तो फिर आपको पुराना कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी आपने नई इन्फॉर्मेशन डाल दी है। हाँ देखो आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे आपने किसी चीज में कुछ लिख दिया है और वो गलत हो गया, समझ लो है ना, कुछ पेपर में आपने लिखा और गलत आपने उसमें कुछ लिख दिया, तो और फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो, आपको उसको ठीक करना है, तो आप क्या करोगे? आजकल तो व्हाइटनर आता है ना, व्हाइटनर से आप उसको व्हाइटनर से आपको इरेज कर देते हो जी, है ना। और फिर व्हाइटनर से इरेज करने के बाद फिर अगर आप उसके ऊपर लिखोगे तो फिर किसी को पता रहेगा क्या कि वो व्हाइटनर के पीछे क्या लिखा हुआ है? नो नो, वो तो नहीं दिखाई देगा ना, वो तो खत्म, भले वो लिखा हुआ है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। यस, है ना। तो ऐसे ही हमारे हमारे अंदर जो चीज चली गई, अब चली गई तो चली गई, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते है ना, लेकिन उसके ऊपर अब हमें क्या लिखना है, तो व्हाइटनर, वो व्हाइट पेंट, हाँ वो व्हाइट पेंट लगाना होगा हमें। व्हाइट पेंट कैसे लगाएंगे? उसके लिए अपने मन को आपको साइलेंस में ले जाना होगा, एकदम जैसे बिल्कुल साइलेंस। जैसे जैसे आप मन को साइलेंस में ले जाकर के बाबा की बातों को उसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो अंदर वाली जो चीज है ना वो अंदर ही के अंदर रह जाएगी, और ऊपर जो नई इंफॉर्मेशन आपने डाली है वही इंफॉर्मेशन जो है वो रह जाएगी और वही फिर बाहर निकल के आएगी, उसी का आप स्वरूप बनने लग जाएंगे, उसी की खुशबू आपके जीवन में आने लगेगी, और वो बाकी जो पिछला था वो सब कुछ दब जाएगा। हाँ देखो आजकल 90% क्या, ऑलमोस्ट 99-100% बीमारियां जो है ना वो आजकल रिलेट कर रहे हैं माइंड से, जिसको कहते हैं साइकोसोमैटिक इलनेसेस, है ना, साइकी मतलब माइंड और सोमा मतलब बॉडी। तो जो भी बीमारियां शरीर में है उसका मेन कारण है मन में व्यर्थ सोचना। देखो लोगों को नींद नहीं आती है, हाँ नींद की बीमारी, कितनी गोलियां खाते रहते हैं, और बाबा यहाँ क्या कहते हैं, हम तो अपना बढ़िया बाबा की गोद में सो जाते हैं, हाँ कोई हमको नींद की कोई गोली खाने की जरूरत ही नहीं है, कितने आराम से सो जाते हैं। और देखो दुनिया में बेचारे नींद की गोली पे गोली, गोली पे गोली खा खा के फिर उसके बाद उनको नींद आती है ना, तो उसका कारण क्या है, क्यों इतनी नींद की गोली उनको खानी पड़ती है, क्योंकि सारा दिन उनके मन में व्यर्थ ही चलता रहता है। तो व्यर्थ, तो हम व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं ना। व्यर्थ को हम समर्थ में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें ये सत्य ज्ञान दिया है, ये सत्य ज्ञान जो है यही हमें समर्थ बनाने के लिए, जैसे कुछ हमको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना, हाँ कुछ इंग्रेडिएंट भी तो चाहिए ना, जैसे आप भोजन बनाते हो, भोजन ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा, आपको दाल चावल कुछ लाना पड़ेगा ना, तब तो आप उसको पकाओगे, तब तो फिर आप खाओगे। हाँ तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब तक सत्य ज्ञान हमको नहीं मिलेगा तब तक हमारे अंदर शक्ति कहाँ से आएगी, सत्य ज्ञान ही हमारी शक्ति का आधार है, है ना। सत्य ज्ञान के साथ फिर हाँ ऑफ कोर्स बाबा का लव तो है ही, प्यार भी है, लेकिन ये रूहानी ज्ञान जो बाबा ने, सबसे पहला लेसन जो बाबा ने पक्का कराया कि मैं आत्मा हूं,
इसको ही अगर हम पक्का कर लें तो पुरानी बातों से, जैसे आपको शुरू में ही बताया, मैं कौन और मेरा कौन, जो दादी जानकी कहती, इसको अगर हम अपने जीवन में पक्का कर लें ना, तो बहुत इजी हो जाएगा पुरानी बातों से अपने आप को मुक्त करना। तो चलिए हम सब अभी अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में स्थित कर लेते हैं। मैं शुद्ध, पवित्र, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। दैवी कुल की विशेष आत्मा हूं मैं। इस ऊंची स्मृति से अपने मन की स्थिति को बहुत बहुत ऊंची बना ली। और इस ऊंची स्थिति में स्थित होकर, उस ऊंचे ते ऊंचे मीठे प्यारे बाबा के साथ अपने मन को जोड़ ले। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान, उस पवित्रता के सागर की, उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की विशेष संतान। तो फील करें कि पवित्रता की तरंगों को बाबा के साथ कितना सुंदर मिलन मना रही हूं। मेरे अंदर जो भी कुछ पुराना व्यर्थ किचड़ा रहा हुआ है, उस व्यर्थ को इस सागर की लहरों में बाबा के पास पहुंचा दें और स्वयं को लाइट कर लें। इतने समय से जो भी पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार
पुराना बर्ताव, सब कुछ पुराना, अब किसी काम का नहीं, क्योंकि अब समय है स्वयं को पूरी तरह से परिवर्तन करने का समय। तो ऐसे सुनहरे समय में स्वयं भगवान मुझे नया बनाने आए हैं। कितना सुंदर ये समय है, कितना सुंदर ये मिलन है। तो उस अविनाशी सर्जन से मन मनाभाव का इंजेक्शन लगवाएं और अपनी सारी पुरानी चीजें, सब कुछ पुराना खत्म होते हुए फील करें। और अपने नए स्वरूप को सुंदर, शीतल, निर्मल, पवित्र स्वरूप को इमर्ज करें। ऐसा स्वरूप जैसा बाबा देखना चाहते हैं, वैसा स्वरूप। सर्व शक्तियों से सुसज्जित, प्रसन्न मुहूर्त, खुशी वाला, सुंदर स्वरूप। जिस स्वरूप से न केवल स्वयं की सेवा हो सकती है, बल्कि सारे विश्व की सेवा मैं आत्मा कर सकती हूँ। दिव्य गुणों और सर्व शक्तियों से सुसज्जित ऐसा सुंदर स्वरूप मुझे आत्मा का स्पष्ट नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा सुंदर बनाने वाला है स्वयं भगवान। दिल से उस परमात्मा का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। थैंक यू बाबा।